तुम्हारी नजर बहुत जल्दी से लग सकती शॉट सारे, बट जॉनाथन यहाँ पे हल्का सा मिस करके बहुत कम देखने को मिलता है किस तरफ से मिस करे। रनी विकेट से यहाँ पे डाउन करने की कोशिश थी बट एडीएस एडजस्ट करने में, साथ साथ लाइट स्क्वाड का भी हमें एलिमिनेशन देखने को मिला। केवल अब आठ टीमों के बीच में मुकाबला फिलहाल यहाँ पे बच के रह चुका है। क्लच गॉड की तरफ से यहाँ पे ग्रेनेड करने की बच कोशिश कामयाबी फिलहाल पहले ग्रेनेड पे प्राप्त नहीं हो पाई, बट क्या स्प्रे के साथ, जी यहाँ पे स्प्रे के साथ यहाँ पे न्यू की बात की है तो 1v2 करेंगे। ज़ारुगोट को भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया, स्काउट को भी वहां पे एलिमिनेट करते हैं न्यू अपने स्प्रे को का कमाल यहाँ पे करके दिखाते हुए। बैटल की बात की जाए, कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए, स्मोक करने का अच्छा डिसीजन पीछे हटने का फैसला किया जा रहा है। सर्वाइवल की बात किया तो एक जिद है कुछ टीमों के पास कि इस मैच को इतनी आसानी से एलिमिनेट हम ना हो सके, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वो दिख भी नहीं, न्यू की तरफ से एनिग्मा के शैगी को फुल फिनिश ऑफ किया जाता है। जोनाथन का मौली अभी के ऊपर भारी पड़ता है और देखते देखते सात फिनिशेस टीम गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के पास हम देख पा रहे हैं। Well, कल मिरामार से ही गॉडलाइक ने शुरुआत की थी, मिरामार के चिकन डिनर से गॉडलाइक की शुरुआत हुई थी एंड मिरामार के चिकन डिनर से एक हैट्रिक भी निकाला गया था बैक टू बैक तीन मैचेस में। बीच में एरेंगल जरूर था बट इस मैच की बात करेंगे। यू नो व्हाट, जोन आ चुका है, लुक्स लाइक गॉडलाइक के पास ऑलरेडी जोन का एक्सेस रहेगा, लेकिन एक खिलाड़ी है, आई बिलीव स्काईलाइज गेमिंग के एक खिलाड़ी है जो कि अभी भी जोन के अंदर है। एयर ड्रॉप के पीछे आप देख सकते हैं क्लच गॉड इंतजार कर रहे हैं, पुकार उनके बिल्कुल सामने रहेंगे तो काफी मुश्किल रहेगा उनको निकालना। तो अगर निकाल जाते पुकार को, कंप्लीट जोन का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा गॉडलाइक, जिनको 100 पंख फिलहाल के लिए ओजी के खिलाड़ियों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और रैंक 10 अभी भी बनी हुई है कि फिनिशेस कितने रहेंगे वो रहने वाला बड़ा सवाल। ओआर जेली का फिनिश पॉइंट कलेक्ट किया जाएगा, आदित्य को एलिमिनेट करते हैं जोनाथन, इसी बीच रौनक का ग्रेनेड स्पॉर को नॉकआउट करेगा, इमॉर्टल का ग्रेनेड वीरू को एंड फ्रैग रॉनी को नॉकआउट करेगा। गॉडलाइक एकेडमी इज इन ट्रबल एंड लुक्स लाइक एक और ग्रेनेड से यहां पर सारे के सारे फिनिश पॉइंट्स है वो कंफर्म किए जाएंगे। फियर्स एंड इमॉर्टल के ग्रेनेड काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आए हैं हमें गॉडलाइक एकेडमी के ऊपर। चार टीम सर्वाइव कर रही है, गॉडलाइक विद ऑल फोर पिक नाउ 14 फिनिश पॉइंट के साथ टॉप फोर में आती हुई एक्सो। जो बिल्कुल, लेकिन साथ साथ बात करें तो ओची का भी एलिमिनेशन बहुत जल्द से हमें देखने को मिल सकता है। विकेट फिलहाल उनके पास आई थिंक समाप्त हो चुके हैं। फाइट की अगर हम नजर डालें तो अब यहाँ पे तीन टीमों के बीच में गॉडलाइक अभी भी सर्वाइव कर रही है, ओची का एलिमिनेशन हमें चौथे स्थान पे देखने को मिल रहा है। तो 8 पॉइंट फिलहाल यहाँ पे पोजीशन के, फिनिशर्स कुछ खास उतने बेहतर नहीं क्योंकि बहुत ही साइलेंट अपने आप को रखे थे। लेकिन नियो की बात करें तो एक्सो के स्नैक्स को फिलहाल वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब होते, किल की तरफ से फिनिश ऑफ भी कर दिया जाता है। जोनाथन का ग्रेनेड फियर्स को डाउन करता है, पीछे से कमला वो भी ग्रेनेड करने की कोशिश में लगे हुए। एक्सो और टीम गॉडलाइक दोनों को तंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे कमला, बट कामयाबी फिलहाल प्राप्त नहीं हो पाई। पंख को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा न्यू के थॉमसन के साथ और अब टीम का एक्सो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है गॉडलाइक के। तो अब मुकाबला 4v3 का यहाँ पे बच के रहता है। अब यहाँ से चाहेंगे किस मैच को अपने नाम कर सके, टीम गॉडलाइक को यहाँ पे रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। कल भी मिरामार में इसी तरीके से शुरुआत किए थे, 14 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं। स्काईलाइट को भी लगभग मुश्किल में डालना चाह रहे हैं, ग्रेनेड यहाँ पे बात करें तो हल्का सा डैमेज, देन मॉली का इस्तेमाल प्रोन कर लेते हैं, पूरा टाइम का इस्तेमाल करेंगे ये दो टीमें। रावण देखिए गॉडलाइक जिस तरीके से एग्जीक्यूशन निकाल रहे हैं, दो प्लेयर्स लेफ्ट रोड फ्लैंक को हायर ग्राउंड से चेक कर रहे हैं। जोनाथन, हमने ऑलरेडी ये पता है कि जोनाथन को फ्री हैंड दिया गया है गॉडलाइक के द्वारा, घातुक भाई के द्वारा, एंड एग्जैक्टली उसका पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। बिकॉज फ्रैग्स की बात करेंगे, 6 फिनिश पॉइंट्स है फिर से जोनाथन के पास। जोनाथन वो टॉप 5 प्लेयर्स है, टॉप 5 जो फ्रैगर्स है उस लिस्ट में भी हमें ऊपर आते हुए जरूर नजर आ सकते। लेकिन स्काईलाइट गेमिंग इनका भी एक अच्छा खासा स्प्लिट है, कमला बॉय लेफ्ट हैंड साइड फ्लैंक पे, बाकी जो दोनों रिमेनिंग खिलाड़ी है वे पुकार एंड रौनक फिलहाल के लिए राइट वर्ड फ्लैंक पे जरूर रहेंगे। बट गॉडलाइक के लिए देखिए एक कंप्लीट कंपोज एंड यू नो कंपोजर जो मेंटेन किया गया इस स्प्लिट में 1-1 का, उसका फायदा मिल सकता है। पुकार को ओपन ग्राउंड में स्पॉट किया गया, स्पेस दिया जा रहा है नियो के द्वारा, पुकार सर्वाइविंग विद पहली वन एचपी, वन नॉकआउट सिक्योर किया जाएगा नियो के द्वारा। एनएसी नॉकआउट के साथ साथ और भी आगे बढ़ना चाहेंगे गॉडलाइक की टीम। बट फिलहाल के लिए गॉडलाइक जोनाथन एंड गिल नियो क्लच गॉड डी 4 आर स्टैंडिंग कमला बॉय के साथ साथ 1v1, बट इस बार जोनाथन को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, कंफर्म किया जाएगा। कमला बॉय कमिंग इन विद अ ह्यूज ह्यूज फ्रैग राइट नाउ, क्या जोनाथन के बिना भी ये चिकन डिनर निकाला जा सकता है? आई थिंक दैट चिकन डिनर माइट बी गेटिंग पुल्ड ऑफ, बट नियो क्लच गॉड एंड उनके साथ साथ गिल तीन खिलाड़ी, अभी भी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं। कमला बॉय जोन के बिल्कुल एजेस पे है, एक प्रोन एरिया में लेटे हुए हैं, लुक्स लाइक कमला बॉय एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ, फाइनल फिनिश पॉइंट जो है वो सिक्योर किया जाएगा गॉडलाइक के द्वारा। और इसी के साथ साथ आज फिर से सेकंड मैच एंड मिरामार का पहला मैच